दोस्तों आज फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो दोस्तों केकेआर का आईपीएल 2023 में प्लेइंग 11 कैसे हो सकता है, आईपीएल 2023 में केकेआर का स्क्वाड कैसा हो सकता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केकेआर की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए रहमानुल्लाह गुलबाज ओपनिंग करने वाले हैं, उसके बाद उनके साथ वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने वाले हैं, वन डाउन में श्रियस अय्यर, उसके बाद नितेश राणा, रिंकू सिंह, आंड्रे रसल, सुनील नारायण, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, लौकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती। बात करते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज की, तो केकेआर ने रहमानुल्लाह गुरबाज को ऑप्शन के पहले ही अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों केकेआर रहमानुल्लाह गुरबाज को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है, करना भी चाहिए। उसके बाद लौकी फर्ग्यूसन इतने खतरनाक पैसों में अपनी टीम में शामिल किए गए हैं, तो प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगी। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आईपीएल 2023 की मिनी ऑप्शन में रिटेन कर देना चाहिए था, लेकिन अपनी टीम में शामिल किया है तो उन्हें भी प्लेइंग 11 में रखना चाहेंगी। और शार्दुल ठाकुर दिल्ली कैपिटल्स की टीम से केकेआर की टीम में ट्रांसफर हुए हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अमान खान ट्रांसफर हुए हैं, तो दोस्तों केकेआर की टीम शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में जरूर रखेंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसके अलावा केकेआर की कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है और केकेआर कौन से प्लेयर को टारगेट कर सकती है, कौन सा धमाकेदार प्लेयर केकेआर में शामिल हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी आईपीएल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।